नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम बुलेटिन में। आइए डालते हैं सभी प्रमुख खबरों पर एक नजर। राष्ट्रीय राजमार्ग 74 के विस्तार के लिए हुए भूमि अधिग्रहण में हुए घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद राजनेताओं और नौकरशाहों में हड़कंप मचा हुआ है। जसपुर से सितारगंज तक 2011 में शुरू हुए एनएच 74 के विस्तारीकरण के लिए हुए भूमि अधिग्रहण में जिस बड़े पैमाने पर गोलमाल किया गया, उससे राज्य की नई नवेली भाजपा सरकार आश्चर्यचकित है। सरकार का मानना है कि इस घोटाले में सिर्फ अधिकारी ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग बना रही एजेंसी और नेताओं की भी मिलीभगत है। यही कारण है कि इस मामले की दो दिन पहले सीबीआई जांच की सिफारिश राज्य सरकार ने की है। देखिए, जो ये बहुत बड़ा नेशनल हाईवे का घोटाला एक निकल करके आया है, इस घोटाले पर सरकार ने बहुत संजीदगी के साथ निर्णय लिया है और इस संपूर्ण प्रकरण में जो दोषी अधिकारी हैं, जो भी उसमें संलिप्त हैं, उनको तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ़ जांच बैठाई गई है और इसमें सीबीआई की जांच के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। और ये जितने भी घोटाले हैं, लगभग 18 प्रकरण ऐसे हैं जो बहुत गंभीर किस्म के हैं और बहुत बड़े स्तर पर इसमें धांधली हुई है और इस विषय को बहुत गंभीरता से लेते हुए सीबीआई के जांच के आदेश किए हैं। जो भी दोषी अधिकारी है, अगर कोई फाइल गायब भी है तो वो भी प्रकरण पकड़ में आ जाएंगे और इस तरह से जो भी दोषी होगा उसको उसके खिलाफ, क्योंकि इसमें संलिप्तता बहुत ऊंचे स्तर पर है और केवल एक सामान्य तरह का अधिकारी या एक कर्मचारी इतने बड़े घोटाले को अंजाम नहीं दे सकता। इसमें संलिप्तता न केवल कार्यदायी संस्था की भी है, इसमें संलिप्तता राजस्व विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों के, तत्कालीन समय में जो जुड़े हुए अधिकारी थे उनकी भी है। इसमें संलिप्तता कहीं ऊंचे स्तर की भी हो सकती है, इसीलिए हमने इसमें प्रभाव न पड़े इसके दृष्टिगत इसमें हमने सीबीआई जांच के आदेश सरकार ने किए। 270 करोड़ रुपए से अधिक के इस घोटाले में एक और जहां 143 से ज्यादा फाइलें गायब होने को लेकर एक मुकदमा दर्ज किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने सीबीआई जांच पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए सीबीआई जांच की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज से कराने का सिगुफा छेड़ते हुए पिछले सभी घोटालों की जांच कराने की मांग की है। 2014 से जिस समय से मैं मुख्यमंत्री बना हूँ, उस समय से मेरे आदेशों से जितने भी निर्णय हुए हैं उसके लिए मैं जिम्मेदार थी मेरी, और उससे पहले के जितने घोटाले हैं या जो बातें चर्चा में आई हैं, आरोप चर्चा में आए हैं, जांच रिपोर्टें चर्चा में आई हैं, और मैं समझता हूँ दूसरों को भी क्लीन स्लेट पर काम करना चाहिए। मैंने तो कह दिया ना कि 2014 से लेकर के 2017 में जिस समय तक मैं निवर्तमान हुआ हूँ, उस समय तक के प्रत्येक निर्णय जिसमें जो मेरे हस्ताक्षरों से मेरे उसे लिया गया है उसके लिए मैं जिम्मेदार। यह आवश्यक है कि ऐसे मामलों में जिसमें राजनीतिक निर्णय लिया जा रहा हो, उसमें आप दूसरे पक्ष को जो संतुष्ट करता हो और जनता को जो संतुष्ट करता हो, जिसकी निष्पक्षता पर यकीन हो, वो निर्णय लें। हमको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर पूरा भरोसा है और इसलिए मेरा सुझाव है राज्य सरकार को कि निष्पक्षता के हित में, पारदर्शिता के हित में ये आवश्यक है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच होनी चाहिए और उसमें सीबीआई एक विंग के रूप में काम कर सके। मसूरी नगर पालिका की बोर्ड बैठक में कुछ सभासदों ने नगर पालिका में हो रहे वित्तीय अनियमितता के साथ ही कुछ लोगों पर पालिका की संपत्ति पर अवैध निर्माण करने का मुद्दा सदन में उठाया। सभासदों ने आरोप लगाया कि पालिका के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से पालिका की संपत्ति पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। यहाँ जो पालिका में जितनी भी वित्तीय अनियमितताएं हो रही है उसके विरोध में मैंने आवाज उठाई, लेकिन वो मैंने उसमें अपने विरोध भी दर्ज कराए, लेकिन अध्यक्ष द्वारा जो है वो ऐसा कहा मतलब हतोत्साहित किया जाता है। मैं इसके लिए जो है शासन में शिकायतें करूंगी। वहीं पालिका अध्यक्ष ने सभासदों के आरोपों को नकारते हुए कहा कि कुछ सभासद बिना किसी तथ्य के आरोप लगा रहे हैं। कुछ सभासद ऐसे हैं जो कहीं से सीख के आते हैं, उतना ही बोलते हैं, तोते की तरह रट के आते हैं, तोते की तरह बोलते हैं और उसके बाद जब कोई कानून की बात आती है तब अटक जाते हैं। बैठक में पालिका की गाड़ियों के तेल के फर्जी बिल होने का मुद्दा भी उठाया गया।
वहीं टैक्स बढ़ाने और अप्रैल से टैक्स को ऑनलाइन करने पर भी सहमति बनी। अहम मुद्दा जो हमारा टैक्सेस का जो कंप्यूटराइज करण जो होना था उसका आज हमारे यहाँ पर डेमोंस्ट्रेशन भी दिया गया और एक बहुत अच्छी बात है कि लोगों को इससे आसानी भी होगी। वहीं इस शुभ अवसर पर जोशीमठ स्थित शक्तिपीठ मंदिर में भी आज सुबह से ही भक्तों ने मां की आराधना की। यहां की सभी मूर्तियां पाषाण खंड पर बनी है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर का निर्माण महाभारत काल के पांडवों द्वारा किया गया था, जिसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा भारतवर्ष में स्थापित चार पूर्णगिरि पीठ की स्थापना की गई थी, जिसमें नवदुर्गा मंदिर भी शामिल है। नवदुर्गा मंदिर का जीर्णोद्धार कत्यूरी राजा द्वारा 11वीं शताब्दी में किया गया था। नवरात्रि की शुरुआत जो आज का पहला व्रत है, आज सभी लोग बाचाती मंदिर में अपनी माँ दुर्गा के दर्शन के लिए आए हुए हैं। मैं माँ दुर्गे से प्रार्थना करती हूँ कि सभी श्रद्धालु की सभी महिलाएँ जो आई हुई हैं उन व्रत रखा हुआ है, उनकी मनोकामनाएँ पूरी करें। देवी माता की पूजा करने आते हैं और हमेशा मैं भी बाहर रहती हूँ, पीलीभीत में रहती हूँ, तब भी मैं हर वर्ष या कभी आ पाई जैसे नवरात्रि पे तो मैं यहाँ पे जरूर आती हूँ। दिल्ली के पुष्प विहार में डिजास्टर मैनेजमेंट और डीएम के निर्देश पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के सैकड़ों बच्चे और टीचर शामिल हुए। इस वर्कशॉप का आयोजन कराने का मकसद था कि आने वाली आपदा से बच्चों और टीचरों को अवगत कराया जाए। बच्चों ने इस वर्कशॉप में पहुंचकर बहुत सारी जानकारी ली, जैसे कि भूकंप के टाइम पे किस तरह से जान मान की सुरक्षा करनी चाहिए और किसी व्यक्ति के बेहोश होने पर पहला ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए, इसकी जानकारी दी गई। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी साउथ डिस्ट्रिक्ट ने नेशनल स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के तहत ये आज का सेमिनार आयोजित किया। इसमें हम डिजास्टर रिलेटेड इश्यूज डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स के टीचर्स के साथ में, और डिजास्टर प्रिपेयरनेस के बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है नेशनल स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम, उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाएगा और लोगों को डिजास्टर से पहले की जो प्रिपेयरनेस है उसके बारे में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। जानते हैं जैसे जापान में इसकी काफ़ी तैयारी की जाती है क्योंकि वहाँ पर हर समय साइक्लोन भूकंप आते रहते हैं, हिंदुस्तान में भी इसकी ज़रूरत देखी गई है। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया है, हिंदुस्तान के 44 डिस्ट्रिक्ट में ये एज फेज़ वन पायलट प्रोजेक्ट इसको किया गया है, उसी के तहत आज हमने यहाँ पर दिपसार में ये प्रोग्राम आयोजित किया है। ये प्रोग्राम्स काफ़ी होने चाहिए क्योंकि स्कूल्स के लिए ऑर्गेनाइज किया गया फर्स्ट टाइम शायद, और दिल्ली के सभी स्कूलों में और इवन ऑल ओवर इंडिया इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि इससे बच्चों में जागरूकता आएगी और काफ़ी बच्चे जब जागरूक होंगे तो सोसाइटी में हर जगह बच्चों को अपने पेरेंट्स को इवन सोसाइटीज में सबको सिखा सकते हैं, और कभी भी ऐसी नेचुरल क्लाइमेटी आ जाती है, कुछ भी आता है, आपदा आ जाती है, तो उसके में ये हेल्पफुल हो सकता है। के एक गर्ल्स इंटर कॉलेज में एबीवीपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा करते हुए कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। हंगामा बढ़ता देख कॉलेज प्रबंधन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही आनंद फानन में भारी पुलिस फोर्स के साथ एएसडीएम मौके पर पहुंचे, लेकिन एबीवीपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ। एबीवीपी कार्यकर्ता 11वीं कक्षा की परीक्षा में एक दर्जन से अधिक छात्राओं के फेल होने के बाद कॉपियां रीटेस्ट कराने की मांग पर अड़े थे। तकरीबन 12 जो छात्रों का मामला हमारे सामने आया था, हमारे कार्यालय वहाँ पे ये 12 छात्राएं आई थी, उसके बाद फिर हम यहाँ पे कल से मिलने के लिए आए थे, उन्होंने मिलने के साथ मना कर दिया। आज तक हम यहाँ पे प्रिंसिपल सर से मिलने के लिए आए तो उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, हमें मिलने के लिए मना कर दिया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे बाहर बैठ के प्रदर्शन शुरू किया। हमारी दो बार उनसे बात हो चुकी है लेकिन वो किसी भी प्रकार का निष्कर्ष निकालने पर बेचारी वो तारुणी है, वो साफ अपने आप को मना कर दिया कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हमारा जो मामला है वो ये है कि इसका टेस्ट होना चाहिए। तहसील प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के काफी प्रयासों और आश्वासन के बाद ही एबीवीपी कार्यकर्ता शांत हुए। स्कूल है, असल में कुछ बच्चे फेल हो गए हैं तो गार्जियन का मानना है कि हमारे बच्चों की जो कॉपियां हैं वो ठीक से चेक नहीं हुई हैं, और या तो रीचेक करवाया जाए या फिर रीटेस्ट करवाया जाए। तो रीटेस्ट के लिए 11 लोगों के तरफ से एप्लीकेशन आ जाएगी, हम मार्क कर देंगे और बोर्ड से अनुमति ले लेंगे। रुड़की के लक्सर के गनोली गांव में पुराने जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर फायरिंग हुई और धारदार हथियार चले, जिसमें दोनों पक्षों के 3 लोग घायल हो गए।
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 की मदद से घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। मौके से पुलिस ने धारदार हथियार के साथ देसी पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। सभी आरोपी फिलहाल फरार चल रहे हैं। एसपी देहात का कहना है कि एक पक्ष की तरफ से तहरीर आई है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक गांव में जिसका नाम गनौली है, वहां कल रात को कुछ गांव के लोगों में आपस में झगड़ा हो गया, जिसमें कब्रिस्तान के पास एक जमीन थी जिसमें कब्जे को लेकर झगड़ा हुआ। इच्छा राम नाम की व्यक्ति ने उस पर कब्जा करने की कोशिश की थी और उस पर अपनी एक झोपड़ी भी डालने की कोशिश की, जिसमें गाँव वालों ने विरोध किया और उनमें आपस में झगड़ा हो गया, जिसमें 3 लोगों को सर पे चोट आई है, वो हॉस्पिटल भेज दिए गए हैं और थाने में तहरीर प्राप्त हुई है। उस आधार पर 147, 309, 307, 504, 506 का मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है। मौके पर एक देशी पिस्टल और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, तब तक देखते रहिए देवभूमि न्यूज़।